लाइन देख सकते हो, पिछले एक घंटे से लाइन में लगे हैं। ये देखिए लाइन का हाल, अभी का सफर बहुत लंबा, मिलते हैं आगे। लुक एट द वेदर कंडीशन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नेटिव यात्री, माई नेम इज़ निखिलेश। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को आगे। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हम चंडीगढ़ से चल के वैष्णो देवी तक पहुंच गए थे। सो रास्ते में काफ़ी तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ी, बट एट लास्ट भवन के जब दर्शन हुए तो बहुत ही आनंद आया। तो हमने यहाँ पर रेस्ट वगैरह किया था, उसके बाद सुबह सुबह ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। दर्शन करने के लिए हमें बहुत ही लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा था, वेट भी काफ़ी करना पड़ा था। पर सुबह के समय सूरज निकल गया था, जिसकी वजह से कुछ जो ये शॉट्स जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं वो ले पाया था। अदरवाइज़ यहाँ कब फॉग आ जा रही थी ज़रा भी पता नहीं चल रहा था, एकदम से मतलब पहाड़ों का जो असली मज़ा था वो यहीं दे रहा था। तो उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद तय किया कि अब हमें भैरव की यात्रा कंप्लीट कर लेनी चाहिए। सो भैरव के लिए पैदल चलने की हिम्मत शिवी में तो नहीं थी, सो हमने रोप वे लिया और रोप वे के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी थी। एंड फाइनली जैसे ही हम भैरव पहुँचे, ये रहा भैरव मंदिर का दृश्य। सो जैसे ही हम भैरव पहुँचे तो भैरव पहुँचते ही हमें बहुत लंबी लंबी लाइनें वहाँ पे भी देखने को मिली और फॉग एकदम से आ गई और पूरा का पूरा क्लाइमेट एकदम फॉग से भर गया। यही नज़ारे हैं पहाड़ों के कि कब फॉग आ जाए और कब मौसम क्लियर हो जाए। पहाड़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और जैसे ही हमने भैरव की यात्रा कंप्लीट की, सो हम वापसी नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम नीचे की ओर उतरने लगे। फिर रास्ते में बहुत से लोग मिले, कई लोग ऐसे थे जो पैदल चल भी सकते थे पर स्टिल घोड़े चलिए। और ये फाइनली थोड़ा जब मौसम क्लियर हुआ तो ये कचड़ा का व्यू एक व्यू पॉइंट से बहुत ही सुंदर लग रहा था। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे ये कचड़ा का बसा हुआ आंचल माँ वैष्णो देवी के दरबार में। उसके बाद मैंने वहाँ रेस्ट करने की नहीं सोची, सोचा मैं अपनी जर्नी को एंड करते हैं और जल्दी से जल्दी घर पहुँचते हैं। तो घर पहुँचने के लिए हमने जैसे ही नीचे पहुँचे हमने वापसी का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। और वापसी जिस समय हम आए थे तो रात हो चुकी थी, तो रात तो हमें जाते हुए भी हो जानी है, पर फिर भी कुछ जो नज़ारे हम लोगों ने मिस कर दिए थे अपनी पिछली सीरीज़ में, मैंने उनको इस वाले पार्ट में कवर करने के लिए सोचा कि इस पार्ट पे उसको कवर कर लिया जाए। तो वैसे ही कुछ रैंडम क्लिक्स मैं बीच में आपको दिखाता रहूँगा। इसके साथ ही एक जो चीज़ मुझे मिली वो थी ये टनल्स, द मैन मेड मार्बल्स। बहुत ही ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग का एक नमूना, जो एक टनल दूसरे टनल से कनेक्ट करती हैं, लंबी लंबी टनल्स हैं। और एक टनल से जब आप दूसरी टनल में जाते हो तो बीच में खाली सा व्यू पॉइंट आता है और वो बहुत ही सुंदर लगता है। और इसी तरह से ये द सीरीज ऑफ टनल्स हैं, इस तरह से जैसे एक टनल ख़त्म होकर के हम दूसरी टनल में एंटर किए, ऐसे ही आपको चार टनल्स मिलेंगे जब आप जम्मू से कटरा वाले रास्ते में आएंगे। एक टनल को क्रॉस करेंगे, फिर बीच में छोटा सा व्यू पॉइंट आएगा, व्यू पॉइंट के ख़त्म होते ही एक नेक्स्ट टनल आ जाएगी, नेक्स्ट टनल के ख़त्म होते ही फिर एक व्यू पॉइंट और नेक्स्ट टनल। इस तरह से एक सीरीज ऑफ टनल्स बनी है और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल नमूना जो मुझे इंजीनियरिंग का लगा, बहुत ही सुंदर। और ये नज़ारे इन्जॉय कीजिए इस सफ़र को, मैं आपके साथ आगे कनेक्ट होता हूँ। सो
सो इस तरह से ये एंड हुआ टनल्स का और एक ब्रिज आया। तो ब्रिज को क्रॉस करने के बाद मुझे जो सबसे टिपिकल एक जो चीज़ लगी वो था ये कर्व, ये जो मोड़ बना है ये बहुत बड़ा था। और जब मैं रात के समय इस वाले रोड पे ट्रैवल कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये यार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूस स्टीप था और ये कंटिन्यूस एक मतलब इस तरह का जो रोड और जो ये कंस्ट्रक्शन हुई है बहुत सुंदर। और ये मोड़ देखिए ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता और ये बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से ही दूसरा एक और स्टीप मोड़ जिसको कहते हैं तीव्र मोड़, लिखा तो बहुत जगह रहता है पर मैंने आज तक इतना ज़्यादा लंबा मोड़ नहीं देखा था। ये बहुत ही लंबा रोड बना था पर इसके साथ साथ जो दाएं बाएं और सामने के जो नज़ारे थे पहाड़ के बीच में से निकलना, ये बहुत ही सुंदर था। और ये इसके साथ ही आपको यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे ना एक रोड दिखाई दे रहा होगा, इसी रोड से हम नीचे की तरफ उतरे थे। तो गाइस कुछ इस तरह का रहा था हमारा माता वैष्णो देवी जी का सफ़र। सो आई होप आप सबको मेरा ये सफ़र और मेरा ये इनिशिएटिव जो एक छोटा सा मैंने काम किया था वो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बाय बाय।